ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है कि जब पिता का अनुभव कराया, पिता का अनुभव कैसे किया, एक बार मुझे गर्मी लग रही थी और पांडव भवन के पीछे बाबा के रूम के एक हॉल है जिसमें 8 खटिया होती थी, उसी में मेरी भी थी। जब मैं बाहर गर्मी लगी तो आ गई, मच्छर भी कुछ लग रहे थे। बाबा बोले, बच्ची यहाँ कैसे रात को तुम टहल रही हो। पहले तो डर लगा, बाबा क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची कोई तकलीफ है, क्यों बाहर घूम रही हो। तो मैंने बहुत धीरे से कहा, बाबा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे मच्छर लग रहे हैं। बाबा बोले, बच्ची सवेरे इंतजाम हो जाएगा। उस समय हिस्ट्री हॉल की नींव पड़ चुकी थी, दीवारें उठ रही थी और खिड़की दरवाजे कारपेंटर बना रहे थे। सवेरा हुआ, क्लास हुई, मुरली पूरी हुई। बाबा ने कारपेंटर को बुलाया, कहा देखो आज एक खाट तैयार करनी है और टेंट तैयार करना है और वो लग जाना चाहिए। तो बाबा ने अपने रूम के पीछे सामने ही गेट के सामने लगवाया, जहाँ शशि बहन का ऑफिस है। बोले कि मैं इधर से निकलूं और तुम डरना नहीं, मैं रात को भी तुम्हें उठ के देख लूँगा। तो एक पिता ही एक दिन के अंदर अपनी बच्ची के लिए ऐसा पलंग तैयार करा दे, टेंट लगा दे हवा में सोने के लिए, वो तो शायद राजकुमारी को ही ऐसा प्रबंध मिल सकता है। लौकिक में तो मैं नहीं समझती हूँ कि करेगा। तो वो पिता का रूप, पालना का रूप मैंने देखा कि कैसे बाबा ने एक दिन के अंदर तैयार किया और शाम को सोने के लिए मिल गया।